भाई ये वेब सीरीज जो है देखने में कैसा लगा है, तो इसके लिए मेरे तरफ से तो थोड़ा सा मिक्स सा है, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसा है इन डिटेल बताऊंगा। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है अवतार द लास्ट एयर बेंडर। और ये वेब सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली है या इंटरटेनमेंट देने वाली है, इसी बारे में बात होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले बात करता हूँ कि ये पूरी वेब सीरीज किस कहानी पे आधार है। जहाँ तक मुझे पता चला है ये ऑलरेडी एक कॉमिक था, मतलब एक एनिमेटेड सीरीज चल रही थी या फिर इसके ऊपर में बुक थी और उसी के ऊपर में जो है इन लोगों ने लाइव एक्शन वेब सीरीज बना डाला है, जिसमें एक बंदे का नाम है आंग और ये जो है एक अवतार है। और इसके अंदर की क्वालिटी ये है कि ये एयर बेंडर है, मतलब हवा के रुख को मोड़ करके उसको एज अ हथियार यूज करता है। और वहीं पे इसके अलावा दो और ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें से एक जो है वो फायर बेंडर है, मतलब जो आग के साथ में खेलते हैं, और दूसरा जो है वो है वाटर बेंडर। अब ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ये समुदाय, ये पूरे के पूरे ग्रुप एक जमाने में एक साथ रहते थे और अभी जो है ये तीनों अलग अलग रहते हैं। इसमें से विलन का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है फायर बेंडर। अब ये विलन एग्जैक्टली है, कैसा है, क्या है, उसको पूरा जानने के लिए आपको पूरा वेब सीरीज देखना पड़ेगा। फायर बेंडर जो है पिछले कई सौ सालों से लोगों पे जो है अपना हक जमाते हैं और पूरे तरह से कब्जा करते हैं, यूं समझ लो अपनी हुकूमत जमा करके रखना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये सभी लोगों को मार करके दुनिया पे अपनी हुकूमत जमा करके ये पूरी की पूरी यूनिवर्स को जो है बैलेंस रख रहे हैं, ये इनका मानना है। वहीं पे एयर बेंडर जो है, जो कि एक हीरो के रूप में और एक पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखाया जाता है, जिसमें लिटरली एक अवतार आता है जिसका नाम आंग है, ये लोगों की मदद करना चाहता है और बेवजह किसी पे अटैक नहीं करता। अब ये अवतार के ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है पूरी दुनिया को बचाने के लिए, क्रूरता पैदा करने के लिए या फिर अपने हाथ में सारे डिसीशंस को लेने के लिए ये भाई साहब तैयार नहीं है। अब क्या ये बच्चा जो है अपनी शक्तियों को समझ पाता है, क्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी यूनिवर्स पूरी दुनिया को बचा पाता है, क्या ये फायर बेंडर के साथ में लड़ पाता है या नहीं, और आखिर में क्या होता है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर पूरी की पूरी कहानी बेस है। तो ये तो था स्टोरी, अब बात करना चाहता हूँ कि भाई ये कैसा लगता है देखने में। देखो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई ये एक तरह से विजुअल ट्रीट है। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है, अच्छा फील करना है और आप छुट्टी के दिन में बैठे हो तो भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा और आपको देखने में मज़ा आएगा। रीज़न इसलिए क्योंकि भाई कुछ शॉट्स, मतलब जितने भी शॉट्स लिए गए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एकदम सा फील करवाता है कि आप टॉप नॉच लेवल का कुछ देख रहे हो। वहीं पे जो हिंदी डब्ड है वो भी एक ज़बरदस्त सा असर छोड़ करके जाता है। वहीं पे VFX की अगर बात की जाए तो भाई मज़ा ही आ जाता है। जिस VFX को देख करके आप हिल जाओगे, अगर आपके घर में बड़ा TV स्क्रीन है, होम थिएटर है, तो भाई एकदम गजब की फीलिंग आने वाली है। आठों के आठों एपिसोड देख डालोगे। कई सारे जगह पे अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लोग शायद स्किप कर सकते हैं, जैसे मुझे एक जगह पे जाने के बाद ऐसा लगा कि भाई ये हातिम ताई जैसा चल रहा है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे नए कैरेक्टर्स आते हैं और जहाँ जहाँ पे नई नई चीज़ें होती है वो देखने में मज़ा आता है। फायर बेंडर का जो नेगेटिव रोल है वो नेगेटिव रोल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वहीं पे जो उसका जो प्रिंस है वो किस तरह से बिहेव करता है। एक तरफ में जो है वाटर बेंडर है एक लड़की, अभी सबका कहना है कि मैं जब चेक कर रहा था तो सबका कहना है सोशल मीडिया में कि उस पर उसको जो है कटारा पे अपना एक क्रश रहता है, लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। आसमान पे उड़ने वाली जो हाथी है जिसको आपा आपा कहता है, वो आपा जो है वो क्या है एग्जैक्टली, आपा जो है वो उसके साथ में जो रिलेशन है उसको बहुत अच्छे से दिखाया है, लेकिन जो लोग शायद बुक्स पढ़ करके आए हैं या फिर जिसका एक मतलब एनिमेटेड सीरीज देख करके आए, उनके हिसाब से ये चीज़ सही से नहीं दिखाया है। जहाँ तक मैं एक देखा जाए तो मेरे लिए एक फ्रेश कंटेंट है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता तो मैंने थॉरली इन्जॉय किया और इसको आप फैमिली के साथ में बैठ करके पूरा इन्जॉय कर सकते हो। काफ़ी टाइम के बाद में एक मस्त सा लाइव एक्शन सीरीज़ आई है, आपको देखना चाहिए और मज़ा तो आएगा ही आएगा। बच्चों के लिए तो भाई एकदम ही समझ लो क्या ही, मतलब ज़बरदस्त सा कुछ आ जाएगा, बच्चे लोग तो लटक करके देखेंगे। और ये निकलोडिन के साथ में जो है मिले हुए जो निक जो चैनल आता था जो हम बचपन में देखते थे, उस चैनल पे भी शायद आएगा बाद में, पर अभी जो है सिर्फ नेटफ्लिक्स पे दिखाया जा रहा है। तो 8 एपिसोड है, हर एपिसोड लगभग आपको 50 मिनट के आसपास के मिलेंगे, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। आप बताओ अगर आपने देखा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है, और आपको इसकी इन डिटेल अगर कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या चीज़ इसमें आपको कमी फील करवाई।
सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज. वॉट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट. यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो.